प्रीलिम्स में केवल दो पेपर होते, तीन है, एक जीएस का होता है, एक मैथ रीजनिंग वगैरह का होता है, सीसेट कहते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ वो निकालना होता है, उसके नंबर नहीं जोड़ते। करीब 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और प्रीलिम्स से जो निकालते हैं वो होते हैं करीब 12,000, दैट इज 1%। 99% लोग प्रीलिम्स से बाहर हो जाते, जबकि इसमें कुछ होता नहीं, सिर्फ 2 घंटे का टिक मार्क वाला एबीसीडी होता है। टोटल 9 और वो 9 पेपर इस तरह से डिजाइन है कि आपकी सारी नॉलेज को पूछे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रोबोटिक्स, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एथिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हर चीज, आर्ट एंड कल्चर, जो भी मतलब इस ब्रह्मांड से IAS 9 तो ये होती है पैटर्न। सेम पैटर्न पर चलता है BCS। BCS कौन करवाता है? BCS UPSC नहीं करवाते, नहीं करवाते। देखो BCS, तो यूपी BCS PSC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करा। किस्मत से इस बार पैटर्न बिल्कुल है ना, अर्ध नहीं घूमेंगे और पैसा मिलेगा करप्शन का, हालांकि आजकल नहीं मिलता आसानी से, आजकल बहुत ई गवर्नेंस हो गई है। पर सिविल सर्विस इस सबसे ज्यादा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको नॉलेज पसंद है, जिसको ज्ञान बांटना है, ज्ञान लेना पसंद है, उसके लिए ये एग्जाम बना है। यकीन मानिए यूपीएससी की तैयारी करके ईश्वर ना करे अगर नहीं भी निकलता तो इतनी नॉलेज होती है कि दुनिया के सारे ऑप्शंस। तो मैंने हिस्ट्री के ऑप्शन तैयारी करी, नेट का पेपर होता है, किसी को नेट पेपर किस लिए होता है? नेट का आप बताए प्लीज। टीचिंग, अच्छा कहाँ की टीचिंग? प्रोफेसर, क्योंकि BTC अलग लेवल की टीचिंग के लिए होता है ना, उसके ऊपर टेट वगैरह सीटेट एग्जाम होते हैं। नेट होता है कॉलेज लेवल का, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपको बनना है तो मैंडेटरी है नेट करना, कंपल्सरी। तो UPSC की मैं तैयारी कर रहा, मेरा ऑप्शन हिस्ट्री था, मेरे से किसी के पास नेट का फॉर्म डाल दो, आपने फॉर्म डाल दिया। फर्स्ट पेपर जो होता है नेट का, वो मोस्टली यूपीएससी का सिलेबस होता है, तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। मेरे 50 में से 45 सही निकल गए, क्योंकि ऑप्शन की तैयारी अच्छी करी थी, ना केवल नेट निकला बल्कि JRE भी क्वालिफाई हुआ। और यकीन मानिए उसके लिए अलग से मैंने आधा घंटा ही पढ़ाई की, नॉट इवन हाफ एन आवर। जबकि लोग नेट की स्पेसिफिक तैयारी में साले निकाल देते हैं, सारों निकाल देते हैं। फर्क क्या है?